वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री स्टाइल व्लॉग्स। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो दिस इज एजे ए वाई। तो अभी फिलहाल का सीन ये है कि अभी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, 3 बज चुके हैं, बल्कि 3 से भी ज्यादा ही हो चुका है। तो अभी सुबह हम बिजी थे काफी ज्यादा, तो बुआ जी को बस स्टैंड पे छोड़ के आए थे। और ये जो दादी जी बैठी है यहाँ पे, जो ये प्यारी सी दादी आपको दिखाई दे रही है, इनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से इनको भी लेके जाना पड़ा था, है ना। तो अभी फिलहाल ये बैठी है आराम से, इनको रेस्ट के लिए बोला गया है। और मम्मी जी अभी खाना बना रही है, मतलब बना दिया है, तो अभी खाना खाएंगे। हाँ जी, तैयार है खाना? खाना तैयार है, फिर लेके आओ जल्दी। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, और टाइम तो काफी हो चुका है, तो अभी शाम को चलेंगे बाहर की तरफ, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मस्त इंजॉय करेंगे। पढ़ाई भी कर लेंगे जी, पढ़ाई भी करनी है भाई। तो अभी सुबह से तो रेस्ट ही चला हुआ था, बीमार तो ज्यादा तो मुझे पढ़ाई तो करता ही हूँ। आज मेरे को प्रैक्टिकल फाइल लेके आनी है अपने दोस्त के पास से, तो वो लेके आऊंगा, तो उसके पास अभी फोन करूंगा, तो वो ग्राउंड में देके जाता है, वो मैंने उसको दे रखी है कंप्लीट करने के लिए। वो खुद अपनी कंप्लीट कर रहा है पहले, तो फिर उसके बाद मैं अपनी कंप्लीट करूंगा। तो चलिए अभी शाम को मिलते हैं, फिलहाल अभी खाना खाते हैं। तो अभी फिलहाल मम्मी जी खाना लेके आ चुके हैं, तो अभी खाना खाते हैं मस्त। अभी खाना वगैरह तो खा दिया है, तो अभी मम्मी जी लड्डू लेके आई है। मम्मी जी ने बेसन के लड्डू बना रखे थे घर पे ही, तो थोड़ा थोड़ा पीस दे देते हैं मीठे के तौर पे, तो अच्छा रहता है। बहुत ही अम्मी बना रखे हो, मजा आ गया लिटरली। तो अभी कूलर निकाला है, गर्मी काफी हो चुकी है, तो अभी इसकी सफाई की जा रही है। अनुराग भी है, सफाई कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है ना भाई अनुराग, तो अभी सफाई करते हैं। अभी कूलर वगैरह की सफाई तो कर ली है, तो अभी कूलर चला हुआ है बाहर भाई, इस वजह से मैं जोर से बोल रहा था। तो फिलहाल अभी अनुराग भी है, अभी शेक बना रहे हैं, तो अभी शेक पियेंगे मस्त, और फिर चलते हैं। अभी सफाई वगैरह की है बाहर, आपको पता है तूफान आया था, तो उसकी वजह से जो बाहर की तरफ बैठक है ना, उसके अंदर भी काफी ज्यादा धूल चली गई थी, तो इसको साफ फिलहाल शेक पीते हैं, फिर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी चल पड़े हैं अनुराग भैया को वो ठीक करवा के लेके आने हैं, इसके मतलब बैग की चैन खराब हो रखी है और रफू करवानी है। चलिए चलते हैं, चल रहे हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस अभी घर पे तो आ गए थे, तो मम्मी जी और अनुराग भैया तो ऊपर की तरफ गए हैं, साहिल अपने घर पे चला गया है। तो अभी दादी जी का फोन आया है, तो बोल रही है कि मेरे पास आ जाओ, तो चलिए दादी जी को लेके आते हैं। उनको पहले ही आपको पता है दांतों में दिक्कत है, इसलिए चलिए चलते हैं। आए थे दादी के पास, तो अभी चल रहे हैं, चलो चलते हैं। तो गाइस अभी दादी जी को लेके आ चुका हूँ, तो यहाँ पे अनुराग भैया तो फोन में ही लगे रहते हैं हमेशा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, तो कैसा है अभी आपको दांतों का दर्द आपके? राम भाई थोड़ा थोड़ा सा। दवाई कैसी है? कड़वी पड़ी जार कर गई। दवाई तो कड़वी है, तो दवाई तो कड़वी मिलेगी, मीठी थोड़ी ना मिलेगी। कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम। बड़ी बड़ी गोली जाए ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम। दोनों तरफ में दर्द है क्या? एक को बात है, एक दान है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगले पास। ओके, तो फिर कैसा फील हो रहा है? टांगे टूंगे दुख रही हैं कुछ? जी लिकड़ा हुआ है। जैसा जैसे बुखार में होता है वैसा वैसा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मसाज कर देंगे टांगों की। रोटी वगैरह खा ली आपने? ओके, मसाज तो हो रही है, देखो ये हो रही है, देखो वो तो रही है मसाज। मम्मी जी पता नहीं क्या लाई है अभी डाल के। सब्जी है क्या? तो ये पापा जी नहीं आए हैं, तो अभी उनका वेट कर रहे हैं सभी। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है,
ये देखिए 9 बज चुके हैं पूरे, 9 से भी ज़्यादा। तो मम्मी जी तो अभी चावल खाएंगी। चोर तो दिखा है, क्या चीज़ें खाओ, क्या मिला चटनी है, रहता है। रायते के साथ चावल, तो भी दादी जी लेके आई थी चावल, इनको तो खाने नहीं है क्योंकि दांतों में प्रॉब्लम है ना, तो फिर थोड़ा हो जाता है, रेसा वगैरह हो जाता है दांतों में, इसलिए लस्सी वगैरह भी बंद है, सब कुछ बंद है ना। कुछ नहीं पीना है, कुछ नहीं निकलेगा, बल्कि और ज्यादा दर्द दर्द होएगा, मेरे को पता है, मेरे को भी था दर्द होएगा, फिर लस्सी वगैरह मत पीना और चावल वगैरह भी नहीं। हाँ कहने का नहीं होता, फिर वो दर्द होता है, रेसा बन जाता है फिर दांतों में, रेसा बना हुआ है। नहीं नहीं, दूध तो गर्मी खत्म करेगा उसकी, कोई बात नहीं, चलो हो जाओगे ठीक, कोई कोई बात नहीं। तो भी दादी जी को भी दोबारा से दर्द शुरू हो गया था, तो अभी गोलियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि पानी में मिला के लेनी पड़ती है। देखिए पीजो कोई बात नहीं, जल्दी पियो, चीनी लेके आता हूँ तब तक। ये लो मैं चीनी लेके आ चुका हूँ, थोड़ा ये थोड़ा मीठा जरूरी है, इतनी बुरा नहीं, यही पी लो आप, यही खाना पी तो लो पहले इसको जल्दी से। सही है पानी तो पीजो, एक एक दो तीन, शाबाश शाबाश। ओह हेलो हेलो, तो पापा जी भी आ चुके हैं, खाना खा रहे हैं, दादी ने मीठा ले लिया है, तो अभी थोड़ा आराम से रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, दवाई ले ली है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक सब कुछ, सो जाओ आराम से। सो गाइस, अभी सभी ने खाना वगैरह तो खा लिया है, तो मैं अंदर की तरफ वेटिंग कर रहा था, सभी सो चुके हैं, दादी जी ने भी दवाई वगैरह ले ली थी, तो अभी आराम है, तो कब मतलब टाइम तो लगेगा ही ठीक होने में, तो आपको पता है कम से कम 5-6 दिन तो लगेंगे, तो फिर जो मुझे में दर्द है जिस दांत में वो तो निकलवा देंगे। तो अभी फिलहाल अभी मैंने पंखा वगैरह बंद कर दिया है, क्योंकि बाहर की तरफ कूलर वगैरह चला हुआ है, इसलिए तो गर्मी काफ़ी हो चुकी है आपको पता ही आजकल। तो आई होप आपको ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दादी जी के लिए दुआ भी करना ताकि जल्दी से आराम हो जाए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अगर चैनल अपने और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।